मुन्ना भैया के कैरेक्टर में तो खैर वो अलग ही इंसान है, लेकिन उसके अलावा आई थिंक ही इज सो मच फन टू बी ऑन सेट। हमेशा इंसान जो है हंसता रहता है उनके आसपास, उनको एक्ट करते हुए देख के तो और मजा आता है। नमस्कार, है दिम्पी पंडित की तरफ से, हम मिर्जापुर से हैं। हम क्या ही बताएं आपको, आप काफी कुछ तो जानते हैं हमारे भैयाओं के बारे में। अच्छी भी छोटी सी जिंदगी है हमारी, और हमारी जिंदगी का हिस्सा है रॉबिन। तो बस इस दलदल में, इस प्यार के लिए आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए। What audience can expect this time from your character Dimpy? And what is the आई big थिंक thing that we are going to see? ऑडियंस शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट ऑलवेज मेट इन मिर्जापुर। दे कैन ओनली, दे शुड, इफ दे हैव टू एक्सपेक्ट और एट ऑल एनीथिंग, देन दे शुड एक्सपेक्ट भौकाल, एंड दे शुड एक्सपेक्ट लाइक अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली न्यू चैप्टर्स, अ लॉट ऑफ न्यू चैप्टर्स इन एग्जिस्टिंग पीपल्स लाइफ। एंड और मिर्जापुर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यार, मतलब इट ऑलवेज गिव्स यू द अनएक्सपेक्टेड। सो ट्राई मेकिंग ऑल द फैन थियोरी जो भी आपके पास है, और फिर देखिए शो अब तो आने ही वाला है। Apart from Dimpy, what is one of the favorite character in the show and you would like to play apart from Dimpy? यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ऑल द कैरेक्टर्स इन द शो आर रिटन सो ब्यूटिफुली। चाहे किसका कम स्क्रीन टाइम हो, चाहे किसी का ज्यादा स्क्रीन टाइम हो, लेकिन उनके कैरेक्टर आर्क्स इतने अच्छे तरीके से लिखे गए हैं कि आई थिंक मुझे तो, अगर देवड़ा वाज में टू प्ले गोलू और बीना और स्वीटी और इवन इफ फॉर एग्जांपल गुड्डू भैया, मुन्ना भैया कोई लड़की होती तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता। मुझे लगता है कुछ कुछ कोई भी कैरेक्टर शो में प्ले करना वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक You गोलू also ऑल्सो हैज अ know ग्रेट ग्रेट ग्राफ, सो आई वुड हैव लव टू प्ले him. बीना। आई वुड हैव ऑल्सो लव टू प्ले, यार देख यू नो, अगर मुन्ना भैया लड़की होते तो So in the season 3, we all are going to miss Devendra Sharma, Munna Bhaiya. So how was there on the set when he was not there? Anything you want to यार, share? ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन टू वर्क विथ। मतलब मुन्ना भैया के कैरेक्टर में तो खैर वो अलग ही इंसान है, लेकिन उसके अलावा आई थिंक ही इज सो मच फन टू बी ऑन सेट। हमेशा इंसान जो है हंसता रहता है उनके आसपास, और बहुत ही, और उनको एक्ट करते हुए देख के तो और मजा आता है। तो आई थिंक उस हिसाब से तो बहुत मिस किया मुन्ना को, देवेंदु को ऑन द सेट एंड मुन्ना को इन द शो, बट द स्टोरी मस्ट गो ऑन। How the show has changed your career trajectory, like how people has responded, started responding to you after the show landed and the growth you have seen First of all, after I'm Mirzapur. very, very blessed. I feel very grateful to be part of this show. This show has not only given me, you know, even more visibility, but also इस शो ने मुझे एक फैमिली दी है, जिसको पीपल मेरे दिल्ली बॉम्बे में, अगर सबसे ज्यादा क्लोज मेरे कोई है तो वो मेरे 3-4 लोग हैं इस शो से, एंड आई रियली कॉल दिस प्लेस माई होम। तो ये पर्सनली प्रोफेशनली हर चीज में मुझे इस शो ने हेल्प किया है। तो आई थिंक मुझे तो खुद ही नहीं पता कि हाउ कैन आई बी ग्रेटफुल, कैन आई एवर बी ग्रेटफुल टू दिस शो इनफ।